इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN7 में आप सभी का खैर मकदम है। कहर कोरोना का आज भी जारी है। आज फिर 160 के करीब बेलगाम जिला में पॉजिटिव मरीज पाए गए। शहर के मुख्तलिफ बाजार भी कुछ हद तक बंद रहे तो कई जगह पर भीड़ नजर आ रही थी। आज मौतों के आंकड़ों में फिर इजाफा हुआ है और कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई। वैसे भी हिंदू शमशान हो या मुस्लिम कब्रस्तान या ईसाइयों का ग्रेवयार्ड, हर तरफ बड़ी तादाद में लोगों की मौतें दर्ज हो रही है। अगर सिर्फ बेलगाम अंजुमन कब्रस्तान का ही अंदाज़ा लगाया जाए तो उमूमन 30 से 40 या फिर ज़्यादा भी समझ ले तो 50 के करीब महीने में मौत हो जाती थी, पर इत्तला के मुताबिक एक महीने में 200 के करीब मौत वाक़ हुई है। बेलगाम शहर के एक मस्जिद की जमात के जिम्मेदार अहबाब सदर सेक्रेटरी का एक ही दिन में इंतकाल हो गया और एक इंतकाल के साथ एक बार फिर मोहल्ला में डर का माहौल देखा जा रहा है। इसी तरह सदाशिव नगर हिंदू शमशान में भी सैकड़ों की तादाद में कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार किए जा रहे। अब जब मौतों का आंकड़ा बढ़ ही रहा है तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन? क्या सेहत महकमा, इंतजामिया, हुकूमत? रियासती हुकूमत अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रही। जिला अस्पताल में भी मरीजों की ठीक से देखभाल न होने की शिकायत बार बार आती रहती है तो कई सारे मरीजों का इलाज ना होने की बिना पर मौत तक के हादसे देखे गए। क्या बिम्स के हालात सुधरेंगे? ऐसे सवाल बार बार उठता है, फिर खामोशी छा जाती है। बढ़ते मरीज और मौतों के आंकड़े पर सेहत महकमा और बेलगाम जिला के वजीर मुख्तलिफ बयान देकर अवाम की दिशा भूल तो नहीं कर रहे? ऐसा भी शक अवाम के दिल में आ रहा है। बेलगाम जिला अस्पताल बिम्स के कारनामे हर रोज कुछ न कुछ मंजर आम पर आते ही रहते हैं, पर मंत्री महोदय कुछ भी तो नहीं हुआ के तरह दिखाई देते रहते। एक तरफ अवाम खुद डर के साये में जी रही है, वही नेता लोग आपसी इख्तलाफात में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते दिखाई दे रहे। अवाम को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे, कोरोना से लड़ना है या डर कर घर में बैठना है। ऐसे दो राय पर अवाम नजर आ रही है। अब जब इस तरह का माहौल बना हुआ है तो जिला वजीर रमेश जारकीहोली ने एक और नया बयान दिया है जिससे अवाम को सर को हाथ लगाकर बैठने की नौबत आई है। जनाब रमेश जारकीहोली का कहना है कि कोरोना कोई बड़ा मर्ज नहीं है, आप इससे बिल्कुल ना डरे, मौत इंसान के हाथ में नहीं है, हमें इससे लड़ना है। ताज्जुब तो इस बात का हो रहा है कि जहां बेहतर इलाज और बेहतर कैसे हो सकता है इस पर तवज्जो दिलाते हुए गलतियों को सुधारने के बजाय ये कहना कि मौत हमारे हाथ में नहीं है, बात पर कईयों ने एतराज़ किया है। जब इलाज ठीक से नहीं हो रहा तभी तो मौत हो रही है। अगर मौत को किस्मत का हिस्सा समझ लिया जाए तो फिर इलाज की भी क्या जरूरत है, ऐसा भी सवाल किया जा रहा है। अवाम की जानिब से यह भी पूछा जा रहा है कि बेलगाम जिला रियासत में मौत का आंकड़ा बेतहाशा बढ़ता जा रहा है, हर रोज गली मोहल्ले में किसी ना किसी की मौत हो रही है जिससे डर का माहौल देखा जा रहा है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी तरह काबू पाया जाए, ना कि मौत किसी के हाथ में नहीं कहकर अपनी जिम्मेदारी से किनारा करने के बराबर है, ऐसा भी कहा जा रहा है। कहाँ कहीं सियासी लीडर अवाम को कोरोना के आड़ में गुमराह तो नहीं कर रहे, ऐसा भी सवाल किया जा रहा है। जहाँ पूरे मुल्क में कोरोना का कहर जारी है वही VHP की जानिब से, यानी विश्व हिंदू परिषद एक तंजीम है जो राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न पूरे मुल्क में मनाने जा रही है। इससे पहले भी इन्हें इस तरह के कई सारे इन्होंने इजलास मुनक्कद किए हैं जिससे देश के अंदर एक तरह का तफरका फैलाने में ये माहिर रहते हैं। VHP के महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि यह जीत का दिन है और इसे बड़े ही जश्न के तौर पर मनाना चाहिए, लिहाजा इस जश्न पर कईयों ने एतराज भी जताते हुए कहा कि जब देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है ऐसे वक्त में राम मंदिर के नाम पर मुल्क में माहौल को आलूदा करने की कोशिश ना करें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने कहा कि यह वक्त मुनासिब वक्त नहीं है कि राम मंदिर के नाम पर जश्न मनाया जाए जबकि लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, चारों तरफ एक तरह का हाहाकार है और देश के प्रधानमंत्री बजाय कोरोना से निपटने के राम मंदिर के भूमि पूजन में शरीक हो रहे हैं।
यमायम ने ये भी कहा कि बकरीद के लिए कई सारी पाबंदियां तो आयद की जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत मुसलमानों पर ज्यादती कर रही है, पर भूमि पूजन के नाम पर जश्न का एहतमाम किया जा रहा है। ईदगाहों में नमाज पर पाबंदी है, पर VSP ने खुले आम कहा कि सरे आम 5 तारीख को हर गली मोहल्ले के मंदिर में जमा होकर इज्तमाही पूजा पाठ करे, आरती करे और प्रसाद बांटे। वही दूसरी ओर अकलियती माशरे पर पाबंदियां आयद की जा रही है, तो ये ठीक नहीं है। हालांकि भाजपा ने कहा है कि करीब 200 लोग ही इस इजलास में शिरकत करेंगे और अहम हस्तियों के पहुंचने की वजह से बड़ी तादाद में पुलिस भी तैनात होगी। यमायम ने कहा कि क्या अयोध्या जाने वाले लोगों का कोरोना से समझौता हुआ है क्या, या इस दौरान वायरस छुट्टी पर चला जा रहा है? ऐसा सवाल इम्तियाज जलील ने पूछा। 2 घंटे पूजा के लिए दे जा रहे हैं तो नमाज के लिए क्यों नहीं, ऐसा सवाल भी किया गया। आगे इम्तियाज जलील ने कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि हमने 492 यानी कि 500 साल तक इस लम्हे का इंतजार किया, लेकिन अगर इन्होंने सदियों इंतजार किया है तो क्या कुछ और महीने भी इंतजार नहीं कर सकते थे? उन्होंने बकरीद पर प्रतीकात्मक कुर्बानी करने की सलाह मुस्लिम माशरे को देने के लिए महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हुकूमत को भी निशाने पर लिया। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।